नमस्कार मित्रों, पिछले कई वर्षों से, बल्कि यूँ कहें कई दशकों से, जन्माष्टमी सहित कई त्यौहारों को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे संशय रहते हैं, क्योंकि कई त्यौहार लोग दो मनाते हैं, कहीं किसी दिन मनाया जा रहा है, कहीं किसी दिन, एक दिन पहले एक दिन बाद। इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त में होना है, जिसको लेकर पंडित जी कह रहे हैं कि कोई संशय नहीं है। अक्सर दो त्यौहार मनाए जाते थे, इसको लेकर हम पूछने के पहले सबसे कि पंडित जी दो त्यौहार क्यों मनाए जाते थे, तो पंडित जी सबसे पहले हमें बताया जन्माष्टमी दो मनाते थे, क्यों मनाते थे लोग? जय श्री राम। देखिए, इसका कारण यह है कि कोई लोग अष्टमी तिथि को लेकर चलते हैं, कोई लोग नक्षत्र को पकड़ते हैं, इसीलिए हर बार दो दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व आ जाता है। और कई लोग तो बाद में नंद उत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव को जिसे कहते हैं आप लोग, बाद में कई दिन तक चलता रहता है। लेकिन जिस श्री कृष्ण जन्म का कई लोग रोहिणी नक्षत्र लेते हैं और कई लोग अष्टमी तिथि लेते हैं, लेकिन इस बार बहुत सुंदर ये योग बैठ रहा है। और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, और यह रोहिणी नक्षत्र रात्रि में लग रहा है, लग क्या रहा, पूरी रात्रि है, यानी ये 3:55 से लग जाएगा दोपहर में, रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, 12 बजे भी रोहिणी नक्षत्र होगा। और अष्टमी तिथि पूरे दिन होते हुए रात्रि को 2:20 तक अष्टमी तिथि है, इसलिए तिथि भी मिल गई हमें और रोहिणी नक्षत्र मिल गया, जो भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र और तिथि है। इसीलिए इस बार कोई ऐसी भिन्नता त्यौहारों में नहीं देखने को मिल रही है। अधिकतर इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये महापर्व 26 तारीख दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा। जिस प्रकार मथुरा वृंदावन में महीनों चलता है त्यौहार, होली भी और ये भी, जी। वहाँ पर एक दिन पहले ज़्यादा मथुरा में और अगले दिन जो है वृंदावन में, ऐसा कुछ मनाया जाता है, उस संदर्भ में थोड़ा सा लोगों को बता दें ताकि क्लियर हो जाए लोगों को। देखिए, मथुरा में तो भगवान का जन्म हुआ कारागार में, और वहाँ से जो है नंद बाबा के यहाँ उनको ले आया गया, तो अगले दिन उन्होंने वहाँ से बहुत देखा कि बच्चा और का लाला और खा है, इसीलिए वो लोग वहाँ पे अगले दिन ही उत्सव को मनाते हैं। लेकिन जन्म जो है मथुरा में ही हुआ है, और मथुरा के लोग जो है एक दिन पहले मनाते हैं, इसीलिए इसमें कोई भ्रांति नहीं है। जन्मोत्सव तो चाहे पूरे महीने मनाए, भगवान का जन्मदिन क्या पूरे दिन मनाओ, लेकिन जिस दिन जन्म हुआ है वह जन्म का नक्षत्र और नक्षत्र की तिथि बार ही देखा जाता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपने देखा कि पंडित जी ने विस्तार से हमें बताया कि और जन्माष्टमी एक ही मनाई जाएगी, इस बार दो नहीं मनाई जाएगी। मित्रों, अगर ब्रह्मांड को लेकर अगर समय की बात की जाए तो विज्ञान भी कहता है ब्रह्मांड में जो समय है इल्यूजन है, यानी एक माया भ्रम है, क्योंकि हम सौर मंडल में रहते हैं, सूर्य से जुड़े हुए हैं, हम सूर्य के ही पुत्र हैं एक तरह से, जितने भी ब्रह्मांड के ग्रह हैं हम उनके पुत्र में रहने वाले वासी हैं, तो इस लिहाज से हम लोगों के पास एक बहुत ही बढ़िया एक उपलब्धि है हमारे पास, कि हमारे पास हजारों लाखों साल का विवरण है, और त्यौहार आज से हजारों साल लाखों साल बाद जो होने हैं वो भी हमारे पंचांग के अनुसार निर्धारित हैं और बता दिए जा सकते हैं, जो कि विज्ञान भी जल्दी से नहीं बता पाता है। तो इसलिए हमारे सारे त्यौहार ग्रहों की दशा दिशा पर आधारित होते हैं, जो कि हमारे लिए गर्व करने की बात है। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा दूसरी किसी ऐसी ही वीडियो में। मेरे साथ आप अंत तक रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। नमस्कार।